हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ और यार स्वागत आपका आज के इस वीडियो में। उससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने दिखाया था कि यार अपाचे एक डिलीवरी लेती कैश के अंदर, और ये आप देख सकते हैं शर्मा मोटर्स यहाँ पे। तो यहाँ पे यार अपने को एक भाई मिले जो कि परचेज कर रहे थे जुपिटर, तो मैंने सोचा एक वीडियो इनका भी बना लेते हैं कि कैश में जुपिटर परचेज कर रहे हैं, एक्टिवा छोड़ के जुपिटर क्यों परचेज कर रहे हैं, तो कुछ बातें कर लेते हैं इनसे। तो आज के वीडियो में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि यार लोग जुपिटर को पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, एक्टिवा छोड़ के अगर कोई परचेज कर रहा है तो क्यों करता है। तो इस वीडियो में भाई से बात करेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि यार कितने की पड़ेगी, कौन कौन सा मॉडल है, प्राइस वगैरह सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, और चैनल पर नए हो फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो बाइक रिलेटेड वीडियो आपको आगे भी मिलते। तो भाई यार अभी आ चुकी है, देख सकते हो आप जुपिटर को, ये जुपिटर और ये अपने भाई हैं। एक बार देख सकते हो कलर वगैरह इसका ब्राउन वगैरह कलर में इन्होंने लिया है, और इनसे कुछ बातचीत करते हैं अपन कि इन्होंने ये क्यों परचेज की, एक्टिवा क्यों नहीं ली। तो चलिए भाई के पास चलते हैं। तो भाई सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। अपना नाम नरेंद्र सिंह मीणा भाई। नरेंद्र सिंह मीणा। तो नरेंद्र जी आप ये बताइए मेरे को कि मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा आपसे सवाल नहीं करूँगा, छोटे मोटे कुछ सवाल पूछूंगा। क्या ये जो जुपिटर है ये आपने एक्टिवा छोड़ के परचेज की है, तो आपने क्यों परचेज की, कुछ रीजन आप बता सकते हैं मेरे को? देखो इसमें रीजन बहुत सारे, लेकिन अपन मेन मेन रीजन की बात करते हैं। जी हाँ, सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसमें क्या दोनों टायर की साइज बराबर है। एक्टिवा में क्या साइज पीछे की टायर की छोटी आती है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसका दूसरी बात है कि अलॉय व्हील में है। तो भाई इसके अंदर अलॉय व्हील है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ लुकिंग। यार देखो आप कितनी अच्छी आ जाती है इससे, ये डायमंड कट में पूरे एक नंबर है, और उसमें स्टील रिम्स आते हैं, उसके बजाय इनको ये अच्छे लगे तो उन्होंने ये परचेज की। और कुछ भाई? और सबसे बड़ी बात कि ये अपने देश की बनी हुई गाड़ी है, स्वदेशी है कुल मिला के बाद। अगर महंगी भी मिले तो भी लेने में फायदा है, और उसकी तुलना में इसका मतलब कि चलाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, गाड़ी का चलाने का वे भी बहुत अच्छा है। आपको चलाने में थोड़ी सही लगी है? बहुत अच्छी, सही नहीं बहुत अच्छी लगी, एक्टिवा से अच्छी लगी, एक्टिवा से अच्छी है गाड़ी। तो यार देखो ये सबका अपना अपना टेस्ट होता है, भाई को ये चलाने में अच्छी लगी और मेरे को भी ये चलाने में अच्छी लगी थी, और इस बात से यार काफी भाई लोग एग्री नहीं हुए थे जब मैंने वीडियो डाला था एक्टिवा प्लस एक्टिवा वर्सेस जुपिटर का। तो उसमें मैंने बोला था जुपिटर अच्छी चलती है, तो कई भाई लोगों ने बोला था नहीं यार एक्टिवा अच्छी चलती है। अब यार ये तो बताया नहीं आपने यार परचेज कितने में की, पैसा कितना लगा पूरा? देखो विद एसेसरीज मैंने परचेज करी है 80,000 की, 80,000 की, 80,000 ऑन रोड, ऑन रोड ऑन पूरा एक्सेसरीज मिला के कंप्लीट बाइक अपने को 80,000 की। और ये स्टैंडर्ड मॉडल है ये वाला? ये है जुपिटर स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये एक बार ये भी देख लो आप, ये स्टैंडर्ड मॉडल है भाई, और ये इनको पूरा जो ऑन रोड पड़ा वो पड़ा 80,000 का, मतलब पूरा सब कुछ मिला के एक्सेसरीज वगैरह। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कई भाई लोग सोच रहे हैं यार ये नई है कि नहीं है, तो ये देख लो टीसी नंबर। यहाँ पे भाई ने जस्ट अभी परचेज किए, मैंने अपाचे का वीडियो बना रहा था एक भाई के साथ, तो उसके साथ क्या होता अपाचे का जब वीडियो बना था ये भाई ये जुपिटर परचेज कर रहे थे, और मेरे से आप लोग यार कई बार बोलते हो कि यार जुपिटर ही अच्छी क्यों है, एक्टिवा क्यों नहीं है। तो भाई से मैंने पूछा यार आपने क्यों खरीदी, और इन्होंने मेरे को बातें बताई, तो मैंने सोचा यार एक वीडियो तो बनता है यार, लोगों को बताना चाहिए। भाई ये सब कुछ आज की वीडियो में, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई के लिए यार एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए, लाइक करो, इन्होंने ये डिटेल शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और भाई चैनल पे नए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करो, इस टाइप के मैं ओनरशिप रिव्यू जो बाइक परचेज करते हैं क्यों परचेज कर रहे हैं उस टाइप के वीडियो बनाता हूँ, राइड रिव्यू करता हूँ, काफ़ी सारे वीडियो बाइक रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।